आपका जो ये प्रचार रथ है, किन मुद्दों को लेके आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं? जो विगत माह में सरकार ने हमारे संविधान पर कैब को खत्म कर जो आज संविधान की धारा जो 15 है उस पर जो हमला किया है और जो CAA बनाया है उसके खिलाफ में, NRC के खिलाफ में और NPR के खिलाफ संविधान कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी भी आधार पर भारत के नागरिक को किसी भी सुविधा से, किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और यह एक्ट जो है यह नागरिकता जैसे सवाल को, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक विशेष संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय को नागरिकता देने से वंचित कर रहा है। जो अभी एक्ट बना है उसमें है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो यहाँ लोग आए हैं, मुसलमान को छोड़ करके सबको नागरिकता दी जाएगी। सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान को नहीं दी जाएगी। और इसका आधार उसने जो दिया है कि भारत के सीमा के जो निकटवर्ती देश हैं, तो हम लोगों का कहना है कि निकटवर्ती देश जो है, श्रीलंका भी है, बर्मा भी है और भूटान भी है, तो अगर यही आधार आप मिले रहे हैं तो श्रीलंका के जो हिंदू हैं, बर्मा में जो हिंदू है या चाहे बाकी धर्मों के लोग हैं, उनको नागरिकता देने की क्यों नहीं बात किया है? तो सरकार जान रही है कि वो समझ रही है बात, जानती है कि पाकिस्तान से इस देश में मुसलमान नहीं आने वाले, अब पाकिस्तान और न बांग्लादेश से मुसलमान आएंगे, न यहाँ अफगानिस्तान से मुसलमान आएंगे। वह हिंदू को गोलबंद करने के लिए इस तरह का वह काम कर रही है, समझ बूझ कर। और जो अमित शाह ने जब पास हुआ बिल राज्यसभा में, तो हम लोग देखे बेंच को थपथपा कर कहा कि CAA तो हो गया, अब देश में हम NRC लाएंगे, यानी सिटीजनशिप नागरिकता रजिस्टर तैयार कर, और उसका आधार होगा कि जो आदमी 1970 के पहले जिसका इस देश में रहने का प्रमाण होगा, प्रमाण मतलब उसके पास खतियान होना चाहिए, उसकी जन्म तिथि की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ वो जन्म लिया है, उसको कहा गया कि उसके ये जो आप आधार कार्ड बनाए हैं ये तो नहीं, आधार कार्ड नहीं, ये वोटर ID कार्ड तो ये नहीं, राशन कार्ड तो ये नहीं, पैन कार्ड तो ये नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं, तो स्पष्ट है कि
इस बिल के माध्यम से देश के जो मुसलमान के साथ साथ मुसलमान तो जो प्रभावित होंगे होंगे, सबसे ज्यादा इसमें हिंदू प्रभावित होंगे और हिंदू में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे इस बिल से, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जमीन जायदाद का कोई नहीं है, जंगलों में रहते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। इसके बाद इस देश का दलित होगा, इसके बाद में पिछड़े जाति ओबीसी के लोग, तो वो परंपरागत जो है भाजपा का और आरएसएस का ये समाज जो है विरोधी है, तो इसलिए इसको नागरिकता के बहाने इसको वोट के अधिकार से खत्म कर देना चाहता है, इसको लोन नहीं मिलेगा, इसको देश के संविधान, चूंकि आप नागरिक नहीं है तो जो देश में हमारे जो देश में हमको संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है पढ़ने का, अपनी आवाज को रखने का, सवाल पूछने का, तो ये सब खत्म हो जाए। अच्छा सर, सदन में गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने कहा कि हम किसी के नागरिकता को छीन नहीं रहे हैं, बल्कि हम सताए गए अल्पसंख्यक जो विदेश में अल्पसंख्यक समुदाय है हमारा, मतलब जो मुस्लिम कंट्री में अल्पसंख्यक समुदाय है उसको सताए हुए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर ये विरोध क्यों उनके शब्दों में? तो बांग्लादेश में जैसे कि वहाँ तस्लीमा थी, तस्लीमा नसरी, वहाँ उनको कैपार्टाइज नहीं किया गया था कट्टरपंथियों द्वारा, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया गया जो मुसलमान है और उस देश में आए हैं, उसको देश के यहाँ का नागरिकता मिला। तो अगर प्रताड़ना के ही आधार पर किसी को देना है तो हम देंगे। सबसे बड़ी सवाल यह है कि नागरिकता अगर छीनने का अगर सरकार की मानसिकता नहीं है तो 1955 में जो हमारे यहाँ कानून बना था उसमें इसमें प्रावधान है कि हम कि आप किसको नागरिकता देंगे किसको नागरिकता नहीं देंगे, और अब तो उस सरकार में भी भाजपा है तो हमारे यहाँ है प्रावधान नागरिकता देने का। जहाँ तक सवाल है तो नागरिकता तो देने के मेरे यहाँ संविधान में प्रावधान है, तो इसमें और छीनने का भी प्रावधान है, तो इसमें फिर अलग से ये बिल लाने की क्या जरूरत है? नहीं, अलग से बिल लाने की क्यों क्या जरूरत पड़ गई, इस पे आपका क्या कहना है? आज सरकार की क्या मंशा है, उन्होंने अलग से क्यों बिल, एक मौजूदा बिल के रहते हुए उन्होंने अलग से बिल क्यों लाया? यह सरकार इस देश के भोली भाली जनता को गुमराह करके और वैसे कानून थोपना चाहती है जिससे कि इस देश के संविधान की ओर से मिलने वाली सारी मूलभूत आवश्यकताएं समाप्त हो जाएं। और सरकार ने एक वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम इस देश से बेरोजगारी हटा देंगे, लेकिन यह बेरोजगारी हटाने की जगह देश के मजदूर तबके के लोगों को, बेरोजगारों को और जो यहाँ की गरीबी है उसको वो ही मिटा देना चाहता है, गरीब लोगों को मिटाना चाहता है, गरीबी नहीं मिटाना चाहता है। इस वजह से काले कानून ला करके संविधान की सारी आवश्यकताओं से वह दूर रखना चाहता है। आपको क्या लगता है, एनआरसी से केवल मुसलमान ही प्रभावित होंगे? देखिए, एनआरसी और एनपीआर और सीएए, ये सबसे पहला मुद्दा है कि इस सरकार के पास विकास के नाम पर जो इसने नारा देकर के सरकार में आई थी कि सबका साथ सबका विकास, 15 लाख रुपया का खाता, 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने के वादे पर सरकार आई थी, उसमें विफल है। और जितनी सरकारी तंत्र हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो या रेलवे हो, हवाई पट्टे हैं, ये सबको एक एक करके निजीकरण हाथों में बेच रही है, उससे ध्यान भटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सीएए के तहत उन्हें सताए हुए लोगों को नागरिकता देना है कि इनका मकसद होता, तो इससे पहले ऑलरेडी अभी इसी 26 जनवरी को इस सरकार के द्वारा अदनान सामी को, जो पाकिस्तान के हैं और उनके पिता पाकिस्तान के विंग कमांडर थे, सन 1965 भारत पाक युद्ध में उनके पिता ने भारत का बहुत नुकसान किया था, उनके बेटे को इस एक्ट को लाने से पहले इस देश की नागरिकता दी जा चुकी है। बड़े भाई साहब
शंकर कुशवाहा जी ने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले तस्लीमा नसरीन को या हजारों लोगों को इससे पहले नागरिकता दी जा चुकी है, तो जब CAA का संशोधन कानून नहीं था उससे पहले किस बिना पर किस कानून के तहत उन्हें नागरिकता दी गई, और जब उससे नागरिकता दी जा चुकी थी तो फिर नया ये एक्ट लाने का कोई मतलब नहीं है। इस एक्ट के तहत उनकी ध्रुवीकरण करना और उस पर हवा बना करके जो अभी मजलूम लोग NRC के नाम पर असम में जो लोग प्रभावित हैं, जो परेशान हैं, तो बहुत लोग जो हमारे भोले भाले लोग हैं आपस में हो सकता है किसी बात को लेकर के जात बिरादरी पर हो चल रहा है जो हवा बना रहे हैं, लेकिन माननीय हाई कोर्ट असम प्रदेश का एक आदेश था कि आज से 3 महीने पहले एक दिनेश प्रजापति और उनकी पत्नी तारा प्रजापति जो बलिया के रहने वाले लोग थे उनसे पेपर्स मांगे गए, वो पेपर नहीं दिए उन्हें, नहीं उपलब्ध करा पाए, वो NRC से बाहर हो गए, उन्हें 7 से 8 महीना तक वहाँ डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने जब हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने अविलंब आदेश दिया कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए और निकाल करके इनको सम्मानजनक स्थिति में जीने के अवसर प्रदान की जाए। मैं कहना ये चाहता हूं कि भारत के संविधान में जो सबको समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का संदेश दिया गया है ये उसको निगलना चाहते हैं, चूंकि इनके दिमाग में जो मानसिकता भरी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जब अमीर लोग ऊंची महलों से जब नीचे झुग्गी झोंपड़ी वाले को देखते हैं उनके बच्चों को जानवरों की तरह, जब छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं तो उन्हें खुशी होती है, नंगे भूखे देख करके उन्हें खुशी होती है, ये मुट्ठी भर लोग के लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश में अमीर और गरीब की खाई बरकरार रहे, गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे, ये उनकी रोटी के मोहताज रहे, ये करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता बड़े भाई शंकर सिंह कुशवाहा जी को, जो संविधान बचाओ भारत बचाओ मशाल यात्रा के दौरान पूरे जिले को जगा करके और रैली में 18 फरवरी को जो रैली की आयोजन की गई है, हमें उम्मीद है कि यह रैली सफल होगी और भारत की जो जनता है इनको भारत को कमज़ोर करने का और भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो विषमता पैदा करने की साजिश हो रही है ये मूल रूप से उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, चूंकि वही एक रास्ता है, चूंकि दोनों सदन इसको पास कर चुका है, वो कानून बन चुका है, तो ये जो भारत के संविधान की रक्षा करता है वो काम माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। हम लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की जो असलियत उसकी प्रस्तावना है वो उसकी हिफाजत करेगी, और जिस नाम से पूरी दुनिया में